चाहते हो, बोले अरे वो नौकरी वोकरी कर लेगा। तो आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए, जैसे रैंक वन की हम बात करें, इशिता किशोर, ठीक है, अब इनका जो ऑप्शनल था वो पीएसआईआर, इनका ऑप्शनल पीएसआईआर, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप। अब इतने अच्छे कॉलेज डीयू से पढ़ने के बाद इन्होंने, इनका इंटरेस्ट था, इन्होंने पीएसआईआर ऑप्शन लिया, ह्यूमैनिटी का ऑप्शन लिया, और अगर आप देखोगे तो ज्यादा से ज्यादा जो सिलेक्शन है वो ह्यूमैनिटी के ऑप्शन के साथ है। तो रैंक वन इन्होंने निकाला। लास्ट ईयर जो श्रुति ने रिजल्ट निकाला, श्रुति का ऑप्शन हिस्ट्री था, ये भी ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट है। तो लगातार जो ह्यूमैनिटीज है, आप देखिए इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट, मेडिकल साइंस के बच्चे, वो ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट को ग्रेस्प कर रहे हैं, उसके साथ चल रहे और बेहतरीन कर रहे हैं, रैंक वन लेकर आ रहे हैं, ठीक है, आईएएस टॉपर है। सो ये बताता है कि जो ह्यूमैनिटीज के बच्चे हैं वो अपने आप को लोअर फील ना करें। अब जैसे मान लो ट्वेल्थ हो गया है, वो ग्रेजुएशन में ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट को ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत से बच्चे ऐसे जो साइंस से ह्यूमैनिटी की तरफ जा रहे हैं, उनको बिल्कुल, मैं एक बच्चे से मिला, उसने कहा सर मुझे कुछ और नहीं करना है, उसने पीसीएम ले रखा, बोले मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिविल सर्विसेज करना है, तो मैं क्यों घूम के इंजीनियरिंग करके फिर सिविल सर्विसेज की तरफ जाऊं, बेहतर है कि मैं ट्वेल्थ के बाद ग्रेजुएशन में अपने ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट ले लेता हूं, हिस्ट्री ले लेता हूं, पीएसआईआर ले लेता हूं, इकोनॉमिक्स ले लेता हूं, मेरे जो सब्जेक्ट है उसको मैं कवर कर लेता हूं, और इन्हीं सब्जेक्ट के बेसिस पे मैं यूपीएससी दे देता हूं। मुझे लगा कि स्टूडेंट कितने अवेयर हो चुके हैं, कितनी जानकारियां उन तक पहुंच चुकी है, और वो अपने जो ड्रीम्स हैं, अपने जो गोल्स हैं, उसको लेकर बहुत क्लियर है। मुझे कोई डाउट नहीं है अगर वो स्टूडेंट 3 साल मेहनत करते हैं, 3 साल अच्छे से तैयारी करते हैं, तो नोबडी कैन स्टॉप, क्योंकि ये प्रक्रिया है, ये प्रोसेस है। अगर आप डेली पढ़ाई करते हैं, आंसर राइटिंग करते हैं, टेस्ट देते हैं, रिवीजन करते हैं, कोई नहीं रोक सकता आपको, नोबडी कैन स्टॉप यू। तो ये जो बात हो रही है वो इसी सेंस में बात हो रही है। अगर हम बात करें, जैसे मान लो अभी पीएसआईआर ऑप्शन 5 जून से शुरू हो रहा है, तो ये 2 दिन के लिए केवल हमारा जो 7,999, इसके बाद फीस हम बढ़ा देंगे, तो 7,999 में ओनली 2 डेज आर लेफ्ट, ठीक है। तो इसमें आप, अगर आप पीएसआईआर, इस साल बहुत अच्छे रिजल्ट है पीएसआईआर के, तो अगर आप इसको ऑप्शन की तरह लेना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, ओनली फॉर 2 डेज, राइट, 2 डेज ये हमारा है, 31 और 1 तारीख को, इसके साथ भी आप जुड़ सकते हैं। मयूर की बात करें तो मयूर पेशे से डॉक्टर है, आपने देखा होगा फर्स्ट अटेम्प्ट में इन्होंने यूपीएससी क्रैक किया, फर्स्ट अटेम्प्ट में, और बड़े हंसते गाते फॉरेन सर्विसेज ऑप्ट कर रहे हैं, इंडियन फॉरेस्ट फॉरेन सर्विसेज, और इनका साथ एक सपना है कि ये भी एस जयशंकर की तरह भारत को रिप्रेजेंट करें। तो ऐसे यूथ पूरी दुनिया में भारत का डंका बजाना चाहते हैं, मेडिकल एमबीबीएस, क्या दिक्कत थी नौकरी चाकरी के, लेकिन नहीं, ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट लिया, एंथ्रोपोलॉजी लिया, एंथ्रोपोलॉजी लिया, फर्स्ट अटेम्प्ट में रैंक 5 मार दी, लड़कों के टॉपर है ये। तो आप देखिए कि कितना एक जबरदस्त बदलाव आ रहा है। तो अब लोग कहते थे डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन एक डॉक्टर यूपीएससी में क्यों आ रहा है? ऑफ कोर्स उसको लग रहा है कि यार हमारी, जब हम डॉक्टर्स थे तो हमें ऑर्डर्स तो ऊपर से लेने पड़े, ब्यूरोक्रेसी से ऑर्डर लेने पड़े, तो मैं ब्यूरोक्रेसी का पार्ट क्यों नहीं बनूं, मुझे पावर क्यों ना मिले, मैं ही परिवर्तन, मुझे लग रहा है कि मुझे कोई चेंज करके ला, अब तुम डॉक्टर हो, तुम कोई चेंज करना चाहते हो, कोई बदलाव, तो वो पावर ही नहीं है, ऑर्डर जब तक ऊपर से नहीं आएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। जब सीएमओ कहेगा, सीएमओ के ऊपर एक ऑफिसर बैठा है, तो बोला मैं वहीं पहुंच, मैंने इसे जब बात की, मतलब मैं वहीं पहुंचना चाहता हूं, ठीक है, जहां से मैं ऑर्डर दे सकूं, मैं दुनिया भर के मेडिकल सिस्टम की स्टडी करना चाहता हूं, अपने देश में लाना चाहता हूं, कि क्यों दुनिया भर की मेडिकल स्टडी भारत में क्यों नहीं हो सकती है, भारत के जो दांतेवाड़ा, बक्सर, इन सब इलाकों में वो मेडिकल सुविधा क्यों नहीं है। तो ये यूथ का हमारे सपना है कि किस तरह से बेस्ट करना है। एमबीबीएस करने के बावजूद ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट से लड़कों के उसमें रैंक 1 लेकर आए, यानी रैंक 5th है और लड़कों में टॉपर हैं। ये जबरदस्त एक बदलाव है। तो ये बदलाव हमें बताता है कि हम क्या चीज चेंज कर सकते हैं। अब देखिए जैसे कनिका का, तो कनिका रैंक 9 लेकर आई, हरियाणा की टॉपर है, हरियाणा में इनकी रैंक नंबर 1 है, हरियाणा पैट्रियार्की के लिए जाना जाता है, ये सारे वीडियो आप चैनल पर देख सकते हैं। लेकिन कितना बड़ा बदलाव, कि कितना बेहतरीन काम किया, पीएसआईआर ऑप्शन लिया, रैंक 9 निकाल दी है, देश की सेवा करनी है, बदलाव करना है, तो ऑब्वियस सी बात है इनके अंदर वो जज्बा है जिसपे वो काफी कुछ कर सकते हैं। तो आप भी देखिए, ये पॉलिटिकल साइंस इन्होंने ऑप्शन लिया है, आप इस बात को समझने की कोशिश करिए, तो आप किसी से कम नहीं है। अगर आपका रास्ता बिल्कुल सेट है कि मुझे ये करना है, अगर आपके अंदर वो जज्बा है कि मुझे ये करना है, नोबडी कैन स्टॉप यू, कोई भी आपको रोक नहीं सकता है, कोई भी रोक नहीं सकता। ज्योग्राफी ऑप्शन की बात करें, अभी आपने देखा पीवी सर के पढ़ाने का स्टाइल, आपको इस बार प्रीलिम्स में उनके कितने क्वेश्चन मैप के आए हैं, कितने बच्चे उनके साथ इन्फ्लुएंस है कि मैप पढ़ाने का स्टाइल, ज्योग्राफी पढ़ाने का स्टाइल इतना इजी वे में, क्या प्यारे नोट्स हैं उनके, और इतना बेहतरीन एस्टैब्लिश टीचर ऑप्शनल 7,999 में लेके आ रहे हैं।
तो आप इसका हिस्सा क्यों नहीं बन रहे? अभी डेमो क्लासेस उनकी चल रही है लगातार, 10 दिन की डेमो क्लास है, आप इसके साथ जुड़िए। इनके पढ़ाने का स्टाइल आपने देखा, ट्रेंडिंग कर रहे थे जब प्रीलिम्स का इन्होंने जब एनालिसिस किया, ट्रेंडिंग में थे ये पूरे देश में 24 घंटे तक, क्योंकि ओजांग का आईएएस एकेडमी ने सबसे बेहतरीन जो है वहां पे आंसर निकाल के दिखाया यूपीपीसीएस में भी और यूपीएससी में भी, क्योंकि हमारे नोट से सीधे सीधे क्वेश्चन आए हुए हैं, टीचर के पढ़ाए हुए क्वेश्चन आए, बच्चों ने भेजा कि ये फलाने नोट से इस पे ये वाला क्वेश्चन डायरेक्टली आया, घेरा बना के भेज दिया, तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल नहीं था। तो इनका स्टाइल आप जानते हैं, कौन कौन पीवी सर की क्लासेस देखता है, एमएपी की, मैप की, इनकी ज्योग्राफी की, लाइक भेजिए सर के लिए यहां पे। तो सर इतने जहां 30,000-40,000 का कोर्स है वो यहां पर चीजें आ रही हैं, राइट?